हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबलेट में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है सीआरपीएफ की तरफ से। यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बात करें तो यहाँ पर इसमें रिक्रूटमेंट रहेगी कांस्टेबल की, इसमें टेक्निकल की इसमें वैकेंसीज रहेंगी और ट्रेडमैन की इसमें वैकेंसीज रहेंगी। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2023 का यहाँ पर सीआरपीएफ की तरफ से बहुत बड़ी बिग अपडेट यहाँ पर निकाली गई है। इसमें काफ़ी सारी इसमें वैकेंसीज रहेंगी 2023 में। पूरी वीडियो देखने के लिए यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को जरूर एंड तक देखें, तभी आपको इस वीडियो की पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करें तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें रहेंगे। 27 मार्च से फॉर्म लगना शुरू होंगे और 25 अप्रैल 2023 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। 20/6/2023 से लेके 25/6/2023 के बीच में यहाँ पर रहेगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा टेंटेटिव इसमें डेट यहाँ पर रखी गई है 1/7/2023 से लेके 13/7/2023 के बीच में यहाँ पर रहेगा। आगे इसमें बात करें तो और भी इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें रहेगी। इसमें वैकेंसीज ऑनलाइन इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें तो पे स्केल इसका रहेगा लेवल 3 का यहाँ पर है। 21,700 से लेकर 79,100 के बीच में यहाँ पर रहेगा। वैकेंसीज फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्स की जो वैकेंसीज फॉर बात करें तो यहाँ पर मेल की जो वैकेंसीज रहेंगी एज बात करें तो 9,105 इसमें मेल की वैकेंसीज रहेंगी और फीमेल की जो वैकेंसीज होंगी 1,007 इसमें फीमेल की इसमें वैकेंसीज इसमें रहेंगी। इसमें बात करें तो वैकेंसीज या इसमें ड्राइवर के रहेंगे। वैकेंसी पर मेल पोस्ट की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी इसमें रहेंगी ड्राइवर रहेंगे और ड्राइवर मोटर व्हीकल्स कोबलर कारपेंटर टेलर और बार्बर वे बैंड बात करें तो पाइप बैंड बगलर इसमें रहेंगे। गार्डनर इसमें रहेंगे पेंटर कुक बेटर जो इसमें रहेंगे। वाशरमैन की इसमें वैकेंसीज होंगी। बार्बर रहेंगे सफाई कर्मचारी होंगे। टोटल इसमें 424 इसमें वैकेंसीज होंगी जो इसमें आंध्र प्रदेश के लिए इसमें रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें 18 वैकेंसी इसमें रहेंगी। स्टेट वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पर डिवाइड करी गई हैं, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पर रीड करके पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज की कितनी कितनी वैकेंसीज होंगी आप इसमें रीड कर सकते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पर 726 में टोटल वैकेंसी रहेंगी बिहार वालों के लिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 204 रहेंगी वैकेंसी छत्तीसगढ़ के लिए। और यहाँ पर बात करें तो इसमें उड़ीसा पंजाब और सभी स्टेट की यहाँ पर वैकेंसीज और ड्यूटीज़ वाइज बात करें तो सभी इसमें वैकेंसी इसमें रहेंगी। जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करें तो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर 175 इसमें टोटल वैकेंसीज रहेंगी जम्मू कश्मीर वालों के लिए। आगे इसमें बात करें तो वैकेंसीज ऑफ फीमेल पोस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर नेम ऑफ यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो फीमेल वैकेंसीज रहेंगी 4 रहेंगी। इसमें बात करें तो फीमेल के जो इसमें जॉब रहेगी पोस्टें जो होगी बगलर कुक रहेंगे इसमें वाटर कैरियर होंगे वाशर वूमेन रहेंगी हेयर ड्रेसर रहेंगे सफाई कर्मचारी होंगे वूमेन्स और इसमें ब्रास बैंड की इसमें वूमेन इसमें वैकेंसीज में रहेंगी। ये पोस्ट के नाम रहेंगे इसमें 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 भी स्टेट वाइज इसमें वैकेंसीज डिवाइड करी गई हैं। इस पर नोटिफिकेशन में आप रीड कर सकते हैं। 107 इसमें टोटल वैकेंसी इसमें रहेंगी इसे फीमेल की स्टेट वाइज। यहाँ पर इसमें जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर फीमेल की कोई भी इसमें वैकेंसीज नहीं रहेगी। आगे बात करें तो वैकेंसीज फायर पॉइंटर बिंग की बात करें तो इसमें 11 इसमें टोटल वैकेंसी इसमें रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करें तो नेशनल सिटीजनशिप के ऊपर बात करें तो स्टेट ड्यूटीज वाइज इसमें आप होने चाहिए। इंडिया के एज लिमिट के ऊपर बात करें तो 21 से लेके 27 ये तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट को यहाँ पर ऊपर बात करें तो इसमें गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन रहती है। SC ST की 5 ईयर OBC 3 ईयर XR mixed man 3 ईयर का इसमें रहेंगे। और आगे इसमें बात करें नोटिफिकेशन के ऊपर तो और भी इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में रहेंगी। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्या प्रोसेस इसमें रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो सिटी ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन आप मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऊपर आपकी हैवी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर व्हीकल आपका लाइसेंस होना चाहिए। सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल की बात करें तो इसमें मिनिमम आप 10th पास एंड 12+2 एग्जामिनेशन सिस्टम आपका होना चाहिए। इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पासिंग 2 ईयर्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन की वैकेंसी की बात करें क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 10th पास आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम हाउ टू अप्लाई स्टेप टू अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें रहेंगी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर बात करें तो 100 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन चार्जेस रहेगा ऑल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर सिटी ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और भी नोटिफिकेशन काफ़ी लंबी रहेगी, 100
टोटल इसमें 50 पेज रहेंगे, इसमें आप रीड कर सकते हैं और भी इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइन इसमें नोटिफिकेशन में दी होंगी, आप नोटिफिकेशन जरूर रीड करें। नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये थी हमारी मेन अपडेट। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन वाले आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।